अध्यात्म चिंतन धारा इस यूट्यूब चैनल पर सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी का हमें जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आज के इस अंक में हम गुरुजी से वेदांत दर्शन के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आइए, गुरुजी के स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी की ओर से आपको कोटिशह प्रणाम निवेदित है। हरिओम। आज के अंक के लिए मेरा प्रश्न है कि आत्मतत्व, जिसे दूसरे शब्दों में विशुद्ध ज्ञान भी कह सकते हैं, इस आत्मतत्व या विशुद्ध ज्ञान के आवरणक तत्व कौन कौन से हैं? आपसे आग्रह है कि आत्मतत्व या ज्ञान के इन आवरणकों के बारे में, इन आच्छादकों के बारे में विस्तार से हम सभी के लिए चर्चा करें। आदरणीय गुरुजी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरि ओम। आइए अनुराग जी, आपके साथ बैठ करके जो सुंदर बातें हो रही हैं, इसी क्रम में आपका यह जो आज का प्रश्न है कि हमें आत्मा के स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती और वे कौन कौन से आवरण हैं जो आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं। सो एक दिन हमने इस बात पर संक्षिप्त में स्मरण किया था कि 5 कोष होते हैं शरीर के अंदर। वे 5ों कोष आत्मा का आवरण बन जाते हैं, इसलिए हमें आत्मतत्व की अनुभूति नहीं होती। तो आज फिर हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि ये 5 कोष कौन कौन से हैं और हमें हमारे अपने स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती। हम आनंद रूप हैं, केवल आनंद रूप हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे स्वरूप का, जैसा हम हैं वैसा अनुभव नहीं होता। सो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है अज्ञान। लेकिन अज्ञान के साथ साथ यह जो 5 कोष हैं, ये आत्मा के आवरण बनते हैं और यदि किसी वस्तु को किसी आवरण के द्वारा ढक दिया जाए तो स्वाभाविक है कि वस्तु का यथावत बोध नहीं होता, उसके स्वरूप का यथावत ज्ञान नहीं होता। जैसी वह वस्तु है वैसी हमें प्रतीत नहीं होती। सो इसके लिए फिर वही दृष्टांत लेना पड़ेगा कि जैसे कोई निर्मल चंद्रकांत मणि है। आप समझने के लिए यूं समझ लीजिए कि हमारे हृदय में आत्मा रूपी एक निर्मल चंद्रकांत मणि रखी हुई है। उस मणि को ढक दिया गया है। आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे
कि ये जो आवरण हैं, इस आवरण इन आवरणों को कैसे हटाया जाए और कैसे उस आत्मतत्व का दर्शन किया जाए। अभी हम पहले आवरणों की चर्चा कर लेते हैं, और इनकी चर्चा हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब तक इनका हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम इन्हें जानेंगे नहीं, जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, जब तक हम उस प्रक्रिया को हृदयंगम नहीं कर लेते हैं कि हमें हमारे स्वरूप का बोध क्यों नहीं होता और इसके आवरण कौन कौन से हैं, तब तक हमें इन्हें हटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं वह करने के लिए हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यह क्रम है जानाति इच्छति ततो यतते। सबसे पहले किसी विषय का ज्ञान होता है और फिर मनुष्य के मन में इच्छा होती है और तब उस पर मनुष्य प्रयत्न करता है। सो ये जो पांच कोश हैं, इनका क्रमशः नाम है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। इस प्रकार के इन पांच कोशों के द्वारा हमारा आत्म तत्व ढका हुआ है। आइए हम बाहर से ही यात्रा करते हैं। शास्त्रों में प्रश्न किया गया है पंचकोशाह के, ये पंचकोश कौन कौन से हैं, और उत्तर दिया गया कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आह पंचकोशाह। ये पांच कोश होते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। हम बाहर से अंदर की यात्रा करते हैं, सो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है हमारा यह शरीर, इस शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। इसका नाम बड़ा सार्थक है क्योंकि यह अन्न के विकार से उत्पन्न हुआ है, अन्न के विकार से इसका संवर्धन होता है और अन्न के द्वारा ही यह जीवित रहता है। सो अन्न रसेनेव भूत्वा, अन्न और रस माने दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक खाद्य पदार्थ दूसरे पेय पदार्थ। यूं तो शास्त्रों में चार प्रकार का बताया गया है, खाद्य, पेय, लेह और चोष्य। लेह माने निगलने वाले, खाद्य माने खाने वाले, पेय माने पीने वाले, लेह माने सीधे निगल जाने वाले और चोष्य माने चूसने वाले। लेकिन हम यहां केवल दो की बात करते हैं, खाद्य और पेय। सो खाद्य पदार्थ जो हैं अन्न आदि और पेय पदार्थ जो हैं जल आदि, रस, विविध प्रकार के रस आदि। क्योंकि हम ये जो कुछ भी खाते पीते हैं ये आगे चलकर के रस में परिणत हो जाता है और सप्त धातुओं में बदल जाता है। इन सप्त धातुओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अन्न रसेनेव भूत्वा, अन्न रसेन अभिवृद्धि प्राप्य, और अन्न के रस से ही इसकी वृद्धि होती है। सो ऐसा यह जो हमारा शरीर है जो हमें बाहर से दिखाई देता है यह कहलाता है अन्नमय कोश। सो तदेव स्थूल शरीरम, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि नेत्रों के द्वारा इसका दर्शन होता है। इस स्थूल शरीर के अंदर रहता है एक सूक्ष्म शरीर। कई बार ऐसा होता है कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं तो आपका स्थूल शरीर तो एक जगह है, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा बड़ी लंबी लंबी यात्रा कर लेते हैं और फिर लौट करके इसी शरीर में स्थिर हो जाते हैं। ये जो स्वप्न दर्शन होता है उस समय स्थूल शरीर तो चारपाई पर पड़ा रहता है, बेड पर पड़ा रहता है या पलंग पर पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या करता है? सूक्ष्म शरीर स्वप्न में लंबी लंबी यात्राएं करता है और फिर लौट करके यहीं आ जाता है।
इसलिए यह जो शरीर है जिसे जो अन्नमय कोष कहलाता है वही स्थूल शरीर कहलाता है। यह स्थूल शरीर हमारा जैसा है, अब यह बात हर कोष के साथ जुड़ी हुई है कि हमारे ये जो पांचों कोष हैं ये त्रिगुणात्मक हैं, ये तीन गुणों के द्वारा बने हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हमारे अन्नमय कोष में भी है, प्राणमय कोष में भी है, मनोमय कोष में भी है, विज्ञानमय कोष में भी है और आनंदमय कोष में भी है। माने यावत जो यावती सृष्टि है उस पूरी की पूरी सृष्टि में ये तीनों गुण समाहित हैं। अब किसी किसी के शरीर में तमोगुण की प्रधानता है, अब जिसके शरीर में तमोगुण की प्रधानता है उसके इन पांचों कोषों में तमोगुण की प्रधानता है। सो तमोगुण की प्रधानता के कारण, क्योंकि ये पांचों कोष एक दूसरे से संबद्ध हैं, तमोगुण की प्रधानता के कारण तमोगुण का रंग होता है काला। तो अब आप ऐसा समझिए कि अगर किसी के शरीर में इन पांच तमोगुण की प्रधानता है तो इन पांचों कोषों में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण ये पांचों कोष काले रंग के हैं, काले रंग के वस्त्र के जैसे हैं। अब काले रंग के अगर पांच वस्त्र आत्मा के ऊपर उड़ा दिए जाएं, आत्मा के आवरण बना दिए जाएं, तो फिर आत्मतत्व के आनंद की अनुभूति कैसे होगी? आत्मतत्व के चेतन की अनुभूति, चेतन शब्द का अर्थ यहां ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर वह सात्विक ज्ञान कैसे प्रकट होगा जिसके शरीर में तमोगुण की प्रधानता है? वह तो ज्ञान को सुनना ही पसंद नहीं करेगा। इसीलिए इसके पहले के किसी एक अंक में हमने आरंभ में ही इस बात की चर्चा की थी कि हम अपने शरीर में सतोगुण को कैसे बढ़ावें। मनुष्य अगर कुछ कर सकता है, ये साधन है, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर हो या हमारा सूक्ष्म शरीर हो, ये तो साधन है, हम इन्हीं में सुधार कर सकते हैं। हम उस आत्म तत्व में कोई सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वह अभिकारी है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सो यह जिसे हम अन्नमय कोष कहते हैं यह स्थूल शरीर है। इस अन्नमय कोष के अंदर प्राणमय कोष निवास करता है। अब यह प्राणमय कोष क्या है? शास्त्रों में प्रश्न हुआ कि प्राणमय कोश कह, प्राणमय कोष क्या होता है, और उत्तर दिया गया कि कर्मेंद्रिय हिस्सा प्राणादिकम प्राणमय कोश, कर्मेंद्रिया और प्लस पांच प्राण। तो देखो पांच कर्मेंद्रिया, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, वाक माने वाक इंद्री जिसके द्वारा हम बोलते हैं, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, और वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ ये जननेन्द्रिय और मल विसर्जन इंद्रिय, ये पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। इन पांच इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, इसीलिए इनका नाम कर्मेंद्रियां हैं। और ये जो प्राणवायु है इसके भी पांच नाम हैं, प्राण अपान समान व्यान और उदान। हमारे शरीर के अंदर जो वायु है वह वायु तो एक ही प्रकार की है, उसका प्रमुख नाम है प्राणवायु, लेकिन वह वायु पांच दिशाओं में गमन करती है, इसीलिए गमन करने की दिशा के आधार पर इसके पांच नाम हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान। अब हम प्राणमय कोष से लेकर के आगे की जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म है। इसकी अनुभूति करने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है प्राणों का आयाम, प्राणों का व्यायाम,
ये जो प्राणवायु है, प्राणवायु माने हम जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, बाहर की वायु को अंदर धारण करते हैं और अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं। हम अलग से जब कभी प्राणायाम पर चर्चा करेंगे तब इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। आज तो हमें केवल इन पांच कोशों के बारे में बताना है। सो यह जो प्राणमय कोश है, इसमें ये पांच वायु और पांच कर्मेंद्रियां, ये मिलकर के प्राणमय कोश बनता है। ये प्राणमय कोश भी आत्मा का आवरण बनता है। जिसका खान पान अच्छा नहीं होता, जिसका शरीर रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, उसका प्रभाव उसकी कर्मेंद्रियों पर भी पड़ता है। अगर स्थूल शरीर तमोगुण प्रधान है तो यह जो हमारा प्राणवायु है, यह जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां भी तमोगुण प्रधान होंगी। तो निश्चित रूप से यदि ये तमोगुण प्रधान है तो हमारे आत्मतत्व के ऊपर जब इनका आवरण पड़ेगा तो ये आत्मा के प्रकाश को बाहर आने से रोकेंगे। देखिए, तमोगुण आत्मा के प्रकाश को पूरी तरह से रोकता है, क्योंकि तमोगुण का रंग काला बताया गया है, रजोगुण का रंग लाल बताया गया है। रजोगुण भी रोकता है लेकिन तमोगुण की तुलना में कम रोकता है। जो रजोगुणी व्यक्ति है, यदि हम तुलना करें तो तमोगुणी व्यक्ति की तुलना में जो रजोगुणी व्यक्ति है उसमें आनंद का प्राकट्य, उसमें ज्ञान का प्राकट्य तमोगुण प्रधान व्यक्ति की तुलना में कुछ अधिक होगा। लेकिन जो सतोगुण प्रधान है उसमें इन दोनों की तुलना में अधिक ज्ञान का प्राकट्य होता है, अधिक आनंद का प्राकट्य होता है। इसीलिए इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह भी, यह जो प्राणमय कोश है, यह भी हमारे आत्मा के ऊपर आवरण बनता है। यात्रा के क्रम में सबसे पहले हमने देखा अन्नमय कोश, यह जो हमारा स्थूल शरीर है। इसके बाद हमने देखा प्राणमय कोश जो अन्नमय कोश के अंदर है। प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश निवास करता है। शास्त्र में प्रश्न किया गया, ये मनोमय कोश क्या होता है, मनोमय कोश का, और उत्तर दिया गया कि ज्ञानेन्द्रिय सह मनोमय कोश। मनोमय कोश में पांच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं और मन होता है। सो पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने नेत्र। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, जिह्वा माने जीव, और घ्राण माने नासिका। देखो ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। ये इंद्रियां क्या करती हैं? ये ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। हमें कानों के द्वारा पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं और पांच ही इन ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। एक एक ज्ञानेन्द्रिय का एक एक विषय है। श्रोत्र का विषय है शब्द, त्वक माने त्वचा, त्वचा का विषय है स्पर्श, नेत्र का विषय है रूप, और जीभ का विषय है रस, और नासिका का विषय है गंध। संसार में इतना ही तो सुख है। संसार के अगर सारे सुख पर हम विचार करें या समस्त सुख पर दृष्टि डालें तो संसार का पूरा सुख इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में ही समाहित हो जाता है। इन ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ये हैं तो ज्ञान प्राप्ति के साधन। होना तो चाहिए कि इन इंद्रियों को हम आत्मतत्व के ज्ञान में लगावें, लेकिन ये इंद्रियां आत्मा से विमुख हो जाती हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम इन इंद्रियों को भोगों में लगा देते हैं।
जिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जिन इंद्रियों के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, जिन इंद्रियों के द्वारा साधना की जानी चाहिए, उन्हीं इंद्रियों को हमने भोग में लगा दिया। भोग माने सांसारिक सुख प्राप्ति के साधन। जिन इंद्रियों को अंतर्मुख होना चाहिए वही इंद्रियां बहिर्मुख हो गई। एक कारण तो यह है, एक कारण और है। दूसरा कारण यह है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये स्वभावतः बाय नेचर ये बहिर्मुख हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को बनाया ही बहिर्मुख है। वेद का एक मंत्र है, परांचिक्खानि वितरण स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। इसका अर्थ होता है कि स्वयंभू ब्रह्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, सो ये इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं, नान्तरात्मन अंतरात्मा की ओर नहीं देखती। किसी ने पूछा क्या किसी की इंद्रियां अंतरात्मा की ओर नहीं देखी? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कश्चित धीराह, कोई कोई जो स्थिर बुद्धि प्राणी होते हैं, जो सतोगुण प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य उच्च और उच्च से उच्चतर और उच्चतम बनाया हुआ है, जिनके जीवन का लक्ष्य है आत्म तत्व का दर्शन, ऐसे कश्चित धीराह, कोई कोई धीर बुद्धि स्थिर बुद्धि पुरुष प्रत्यगात्मान ऐच्छत, प्रत्यक माने सर्वांतरवर्ती, उस आत्म तत्व का दर्शन इन्हीं इंद्रियों के द्वारा करते हैं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐच्छत, उस आत्म तत्व का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उस आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता। चलो आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं, बस ये बाहर से वापस लौट आवे। वेदांत की भाषा में इसे प्रत्याहार कहा गया है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है जो हमारे नेत्र रूप का दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करते हैं, वे रूप का दर्शन करना बंद कर दें, रूप से वापस लौट करके अपने में स्थिर हो जाएं। जो हमारे कान बाहर के शब्दों को सुनना चाहते हैं, वे बाहर के शब्दों से अपने शब्द रूप विषयों से वापस लौट करके आकर के अपने में स्थिर हो जाएं। बस, क्योंकि इससे आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारी जिह्वा जो बाहर से रस प्राप्त करना चाहती है, यह बाहर के रस को, विविध प्रकार के जो पकवान हैं, विविध प्रकार का जो मिष्ठान है, इसको प्राप्त करने की इसके मन में इच्छा ही ना हो और ये वापस लौट करके अपने में स्थिर हो जाए। हमारी त्वचा इंद्रिय जो बाहर के स्पर्श से आनंद को प्राप्त करती है, बस उस सुख को पाने से विमुख हो जाए। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है प्रत्याहरण। प्रत्याहरण माने जो इंद्रिय जहां जा रही है वहां से उसका वापस आकर के अपने आप में स्थिर हो जाना। ऐसा होने के बाद क्या होगा? इंद्रियां जब स्थिर हो जाएंगी, मन जब स्थिर हो जाएगा और बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, तो हमें शांति की प्राप्ति होगी। और ये जब अंतर्मुख हो जाएंगे, उस शांति की अवस्था में भी आप देखेंगे कि अंतःकरण में हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, हमारे अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता, उसकी कृपा, उसका आनंद, उस आनंद की सहज स्फूर्त आनंद की हमें अनुभूति होगी। सो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां अगर बाहर से वापस आकर के अपने आप में स्थिर हो जाएं, तो हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं। इस प्रकार का यह जो मनोमय कोष है,
यह भी आत्मा के लिए आवरण बनता है। यहां आवरण शब्द का अर्थ है आत्मा के आनंद का अवच्छेदक, आत्मा के आनंद को ढकने वाला। और इससे अंदर जब हम चलेंगे, अभी तक हमने बात की आनंदमय कोश की, अन्नमय कोश की, प्राणमय कोश की, मनोमय कोश की, और इस मनोमय कोश से जब हम अंदर चलते हैं तो हमें मिलता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश होता है ज्ञानेन्द्रिय। देखो इसके लिए भी प्रश्न किया गया विज्ञानमय कोश कह, और उत्तर दिया गया ज्ञानेन्द्रिय सह बुद्धिम बुद्धि ही विज्ञानमय कोश। यह जो ज्ञानेन्द्रियों के साथ पांच ज्ञानेन्द्रियां, वही जिनकी अभी हमने मनोमय कोश में चर्चा की है, इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के साथ आप बुद्धि को मिला दीजिए तो यह बन गया आपका विज्ञानमय कोश। माने श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, और इनके साथ जब हम अपनी बुद्धि को मिला देते हैं तो यह बनता है विज्ञानमय कोश। देखो मनोमय कोश की स्थिति में मन संकल्प विकल्प करता है, मन की विशेषता है संकल्प विकल्प करना। आप कोई भी कार्य करिए, सबसे पहले उसके मन में पक्ष में भी विचार आते हैं और विपक्ष में भी विचार आते हैं। आज कथा हो रही है तो मुझे कथा में जाना चाहिए, मन दोनों बातें बताएगा, जाने में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, न जाने में क्या लाभ है और क्या हानि है। निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने का काम बुद्धि का है। मन तो पक्ष और विपक्ष में अनुकूल और प्रतिकूल बहुत सारे तर्क इकट्ठे करता है, यह कभी शांत रहता नहीं है, यह सदा विचार करता रहता है। सो मन का कार्य है विचार करना और बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। इसलिए जिसका मन जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो वैसे ही कार्य करता है। आप देखेंगे जो सतोगुण प्रधान व्यक्ति है वह पाप नहीं कर सकता, और जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है वो पुण्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है। और भगवद गीता में लिखा हुआ है प्रकृति नियांति भूतानि, यह जो प्रकृति है, यह जो स्वभाव है मनुष्य का, तो मनुष्य स्वभाव के द्वारा आप किसी को कितना भी समझाइए, कितनी भी चर्चा करिए, उसका जैसा स्वभाव बना हुआ है, स्वभाव के प्रतिकूल आचरण करना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए स्वभाव को बदलने के लिए हमें अपने शरीर को बदलना होगा, हमें मन को बदलना होगा, कर्मेंद्रियों को बदलना होगा, ज्ञानेंद्रियों को बदलना होगा और अपनी बुद्धि को बदलना होगा। यहां बदलने से तात्पर्य है कि इनमें जो तमोगुण की प्रधानता है, इनमें सतोगुण की प्रधानता को स्थापित करना होगा। सो यह जो विज्ञानमय कोश है, इसमें पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और एक बुद्धि है। इस कोश के अंदर और सर्वांतरवर्ती आत्मतत्व के सबसे अधिक निकट जो कोश है उसका नाम है आनंदमय कोश। देखो इसका नाम आनंदमय कोश क्यों है? क्योंकि आत्मा की प्रथम किरण इस आनंदमय कोश में ही पड़ती है। शास्त्रों में इसके लिए भी प्रश्न किया गया है आनंदमय कोश कह, और यह बताया गया कि स्वरूप अज्ञान आनंदमय कोश तत्कारण शरीरम, ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, यह शरीर केवल इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि अभी हमारे अंदर अज्ञान है। अगर किसी प्रकार से यह अज्ञान नष्ट हो जाए तो इस अज्ञान के नष्ट होते ही यह बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होने का झंझट समाप्त हो जाएगा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सो यह जो हमारा आत्म तत्व है, इसका पहला रिफ्लेक्शन, इसकी प्रथम किरण किसके ऊपर पड़ती है?
वो अज्ञान के ऊपर पड़ती है, क्योंकि इसका पहला जो आवरण है वह अज्ञान है। ये अज्ञान क्या है इसके बारे में हम बाद में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी केवल इतना समझ लें कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात्। प्रत्येक व्यक्ति को इस अज्ञान के कारण यह अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूं। अब संसार में कोई कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं। सो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अनुभूति निरंतर बनी रहती है, मैं नहीं जानता, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता, मैं बहुत थोड़ा जानता हूं। महाकवि कालिदास भी कहते हैं कि बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्यप्रत्ययम चेतः। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अपने बारे में वह अविश्वस्त रहता है। इसलिए बड़े से बड़े विद्वान को अगर इंटरव्यू देना हो, कहीं उसका साक्षात्कार होना हो, तो उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के सबसे अधिक निकट अगर कुछ है तो वो अज्ञान है। इस अज्ञान का विनाश, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये क्या करता है? ये इस अज्ञान का विनाश करता है। अज्ञान भी त्रिगुणात्मक है। जैसे हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सबको त्रिगुणात्मक बताया, उसी प्रकार से अन्नमय कोश भी त्रिगुणात्मक है। इन आनंदमय, ये जो आनंदमय कोश है, यही आनंदमय कोश कारण बनता है। आनंदमय कोश कारण बनता है हमारे आत्मतत्व के स्वरूप को ढकने के का। इन कोशों के द्वारा, अज्ञान के द्वारा हमारे आत्मा के स्वरूप को ढक लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रस्सी के स्वरूप को हमारा अज्ञान ढक लेता है। यदि हमें रस्सी का स्वरूप के स्वरूप का बोध होता तो हमें कभी भ्रम नहीं होता। रस्सी में जो सर्प का भ्रम होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम रस्सी को नहीं जानते। रस्सी विषयक अज्ञान, रज्जु विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण हमें रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। तो यह जो हमारे सबसे अंदर बैठा हुआ अज्ञान है, आत्मा का जो प्रथम आवरण बनता है, इस अज्ञान के कारण ही हमें आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता। और चूंकि हमें आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता, तो उसी आत्म तत्व के ऊपर अज्ञान की जो दूसरी शक्ति है, विक्षेप शक्ति। अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं, एक का नाम है आवरण और दूसरी का नाम है विक्षेप। सो आवरण शक्ति हमारे स्वरूप को ढक लेती है। हम जैसे हैं उसकी वैसी प्रतीति नहीं होने देती, और विक्षेप शक्ति तत्काल उसी आत्मा के ऊपर एक नवीन संसार की सृष्टि कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वप्न काल में हम ही दृष्टा होते हैं और हम ही दृश्य होते हैं, स्वप्न जगत की रचना कौन करता है? हम ही करते हैं, कोई बाहर से आके नहीं करता। हम दो भागों में विभाजित होकर के, हमारा अज्ञान दो भागों में विभाजित होकर के, वही दृष्टा भी को का आवरण भी बनता है और वही दृश्य भी बनता है। इसी को माया कहा गया है। माया शब्द का अर्थ होता है या माने जो और मा माने नहीं है, जादू साधारण भाषा में कहें तो। जो वस्तु जहां नहीं है उस वस्तु का वहां दर्शन करा देना, यही तो माया है, यही तो जादूगर है। और वह जो परमात्मा है वह सबसे बड़ा जादूगर है, यह उसकी शक्ति है। यह जो माया है यह उसकी शक्ति है, और इसी का एक क्षुद्र रूप है
हमारे अंदर जो अज्ञान है। सो यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान, इस अज्ञान को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है, एक तो या तो हमें हमारे स्वरूप का दर्शन हो जाए या परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हो जाए। हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करने का जो मार्ग है, इसे हम ज्ञान का मार्ग कहते हैं, और यह जो भागवत कृपा का मार्ग है, यह भक्ति का मार्ग है। हमारे ऊपर भगवान कृपा करें तो हमारा यह अज्ञान नष्ट हो। इस अज्ञान के नष्ट होते ही यही तो गांठ है। देखो, अज्ञान है जड़ और आत्मा है चेतन। सो ये जड़ और चेतन आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें एक में दूसरे की प्रतीति होती है। इसी कारण हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं होता। इसके लिए जो शास्त्रों में मार्ग बताए गए हैं, शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, उस विधि का अनुपालन किया जाए और परमात्मा से कृपा की जाए कि हे प्रभु, आप हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करावें। हे प्रभु, हमें आप अपने स्वरूप का दर्शन करावें। ये वाक्य तो दो हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग हमें जहां पहुंचाता है, भक्ति का मार्ग भी हमें वहीं पहुंचाता है। केवल मार्ग अलग अलग हैं, वो चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे निष्काम कर्म का मार्ग हो, और चाहे दैन्य का मार्ग हो। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो एक है, और वो एक लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य को पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होता। हरिओम।